दुष्कर्म मामले में निलंबित सीओ अमरेश सिंह बघेल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। बसपा सांसद अतुल राय द्वारा दुष्कर्म मामले में निलंबित तत्कालीन भेलूपुर सीओ अमरेश सिंह बघेल को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच न्यायालय में पेश किया गया। निलंबित सीओ अमरेश सिंह बघेल के विरुद्ध थाना लंका में मुकदमा दर्ज है, जिसमें आत्महत्या के दुष्प्रेरण सहित कई गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई है। इस बाबत रात भर पूछताछ की गई और न्यायिक हिरासत में अमरेश सिंह बघेल को ले लिया गया है। आपको बता दें कि निलंबित सीओ पर दुष्कर्म आरोपी अतुल राय की मदद किए जाने का आरोप है। दुष्कर्म पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाते हुए न्याय न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह कर लिया था, जिसमें उसकी और उसके साथी की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। किसकी रिमांड हुई और किस कोर्ट में? जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम यहाँ लंका थाने से उमेश सिंह बघेल की चला रही थी, यहाँ से रिमांड हुई। अच्छा, किस बाबत किस क्या चार्ज लगाए गए? 196/193/218/219। अच्छा, तो क्या मामला था और क्या क्या किस प्रकार की रिपोर्ट लगाई गई थी? चूंकि उनका कहना है कि तमाम एक विवेचक अपनी जाँच किया, जो तथ्य है विधिक दृष्टिकोण से वो अपनी रिपोर्ट लगाए। अच्छा, रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट एक प्रेषित की गई थी। कितने दिन की जुडिशियल कस्टडी है? 13-10 तक है। अच्छा, एक आत्महत्या के उकसाने के लिए धारा लगी है, तो किस तरह का धारा ये, क्या किस मामले में धारा ये लगी? वही मैं रहूँगी, आत्महत्या आत्मदाह किए हैं दोनों। ठीक, कौन दोनों लोग? विक्टिम प्रिया राय और सत्यन प्रकाश। अच्छा, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट। जी, ठीक, उस उनके आत्मदाह में इनका कोई रोल नहीं। अच्छा, क्या अपोजिशन के मतलब जो वादी थे उसकी तरफ से क्या किस बेस पे किसको बेस बनाकर इनको रिमांड मांगी गई है? वही बेस वही बनाया गया है कि इनके जो इसके संबंध में एक FIR ऑलरेडी 306 की IPC की हजरतगंज लखनऊ कमिश्नर में हुई है। एक FIR 309 की दिल्ली में भी चल रही है। अच्छा, क्या कहीं वहाँ भी योजना ऑलरेडी जारी है? अगर उस मैं कहीं रिपोर्ट में कहीं भी योजना मेरा नाम आता, मैं वहाँ सरेंडर करता है, मेरे खिलाफ़ यहाँ तो आनंद थाना में FIR की गई है।